बीजेपी आरएसएस में पड़ने वाली है दरार। मोहन भागवत के बयान से बीजेपी खेमे में मची हलचल। बता दें, बीजेपी की नीतियों का जब जिक्र होता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का जिक्र जरूर होता है। कहा जाता है कि बीजेपी के लगभग हर नीति और हर बड़े फैसले में संघ की भूमिका होती है। दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन सोमवार 10 जून को आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने एक ऐसा भाषण दिया। नागपुर में संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग समारोह के समापन के मौके पर यह भाषण दिया गया। इसमें उन्होंने बीजेपी और उसकी सरकार का नाम लिए बिना कुछ ऐसा बोला जिससे लोग चौंक गए। आखिर मोहन भागवत ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? संघ और बीजेपी में सब ठीक तो है? ऐसी चर्चाएं अब शुरू हो गई हैं। मोहन भागवत ने ऐसा क्या बोला, ये समझने से पहले उन्होंने क्या बोला ये जान लेते हैं। उन्होंने कहा कि जब चुनाव होता है तो मुकाबला जरूरी होता है, इस दौरान दूसरों को पीछे धकेलना भी होता है, लेकिन इसकी एक सीमा होती है। भागवत के मुताबिक इस बार चुनाव ऐसे लड़ा गया जैसे यह युद्ध हो। जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, जिस तरह से दोनों पक्षों ने कमर कसकर हमला किया है, उससे विभाजन होगा, सामाजिक और मानसिक दरारें भी बढ़ेंगी। उनके मुताबिक संसद में दो पक्ष जरूरी हैं, लेकिन हर स्थिति में दोनों पक्षों को मर्यादा का ध्यान रखना होता है। सरकार को नसीहत देते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि विपक्ष को विरोधी पक्ष की जगह प्रतिपक्ष कहना चाहिए। भागवत ने इस दौरान यह भी कहा, जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है गर्व करता है लेकिन अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। मोहन भागवत के इतने कड़े शब्द सुनने के बाद कई लोगों का मानना है कि संघ और बीजेपी के बीच कुछ तो सही नहीं चल रहा है। चुनाव के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक बयान की ओर इशारा करते हुए भी लोग ऐसा कह रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में जेपी नड्डा ने कहा था कि पहले भाजपा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की जरूरत थी, लेकिन आज भाजपा सक्षम है, आज पार्टी अपने आप को चला रही है। जब उनसे ये सवाल किया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय और अब के बीच आरएसएस की स्थिति कैसे बदली है, इस पर नड्डा बोले, शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, तब आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, आज हम बढ़ गए हैं और सक्षम है, तो बीजेपी अपने आप को चलाती है, यही अंतर है।